दो दिवसीय जनजन के राम रामायण कॉन्क्लेव के तहत रविवार को योगी राज गंभीर नाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र में रामकथा रामायण पर आधारित कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका संचालन IAS डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने किया। इस दौरान मंच पर उपस्थित कवि डॉक्टर सरला शर्मा, डॉक्टर चारुशीला सिंह, राजेश राज, कमलेश शर्मा सहित अन्य कवियों ने राम के जीवन और व्यक्तित्व पर अपनी कविता के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक और संचालक IAS डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने कहा, जब हम किसी भी पूजा के लिए ये सब उसमें कहीं ना कहीं, तो स्वामी जी ने जो रामचरितमानस इसके बारे में इतना कुछ गाया जा चुका है, तो गोस्वामी जी ने जो जवाब दिया कि नाना पुराण निगमादम सम्मतम यद, सभी पुराणों का जो सार है उसको लेकर जब मैं आता हूँ, जब मेरे मन में वो बात आती है तो अपने आप मन से कविता निकलने लगती है। फिर मैं कविता लिखता क्यों हूँ, तो उन्होंने लिखा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, रघुनाथ की गाथा तो मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। वही परिभाषा कहीं ना कहीं इस मंच को परिभाषित करती है कि जो भी कविगण है वो यदि कुछ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अंतर्मन में स्वयं को सीख मिलता है। और हम आमंत्रण करना चाहते हैं, एक शब्द आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि रावण को था दंभ उसे था बड़ा गुरु, रावण को था दंभ उसे था बड़ा गुरु, रघुवर ने खुद ही किया उसको चकनाचूर, रावण को था दंभ उसे था बड़ा गुरु, रघुवर ने खुद ही किया उसको चकनाचूर, उसको चकनाचूर पाप जिसने फैलाया, उसको चकनाचूर पाप जिसने फैलाया, प्रभु ने धर अवतार शाप से मुक्त कराया। माता अहिल्या को शाप से मुक्ति जो मिली थी वो इस लाइन में मैं आपके समक्ष रखता हूं कि पढ़े, उसको चकनाचूर पाप जिसने फैलाया, प्रभु ने धर अवतार शाप से मुक्त कराया, और उसमें हो संतोष मिला है जो भी जिसको, उसमें हो संतोष मिला है जो भी जिसको, प्रभु की माया प्रभु जाने क्या देना है किसको। पता है तो रावण ने कहा कि रावण का सर कैसे झुक सकता है, उसने अपने सारे सर काट के नीचे रख दिए, कहा लेकिन रावण झुक नहीं सकता। कुछ हमारे बीच है, थोड़ी थोड़ी तालियां बजाते रहे, नारी शक्ति के सिर्फ दो स्तंभ हमारे बीच है, उनमें से एक अभी काव्य पाठ कर रही थी। कोई संभवता है इसलिए और भी उनको तालियां मिलनी चाहिए। आज अध्यापक दिवस है और वो सारी बदमाशियां मुझे याद आती है जो हम अध्यापकों के साथ किया करते थे, लेकिन आज नहीं कर सकते। एक जलाए रखिए दीप तुलसी की तरह, एक जलाए रखिए अपने मानस में उजाले को बसाए रखिए, अपने मानस में उजाले को बसाए रखिए, राम रावण सदा हर दिल में रहा करते हैं, राम रावण सदा हर दिल में रहा करते हैं, राम जागे सदा रावण को सुलाए रखिए, राम जागे सदा दीप तुलसी की तरह एक जलाए रखिए, अपने मानस में उजाले को बसाए रखिए, राम रावण सदा हर दिल में रहा करते हैं, राम जागे सदा रावण को सुलाए रखिए, आप माने इसे या न माने कभी, एक ही बिंदु से हम हैं जन्मे सभी, क्या बात है, आप माने इसे या न माने कभी, एक ही बिंदु से हम हैं जन्मे सभी, अब हम का पर्दा हटा कर जरा देखिए, हम का पर्दा हटा कर जरा देखिए, राम
राम सबके हैं और राम के हैं सभी, राम सबके हैं और राम के हैं सभी। अंबरम तन श्यामलम छवि मंडलम श्री राम है, छवि मंडलम श्री राम है। आनंदकम उत्कर्षकम सुखदायकम श्री राम है, आनंदकम उत्कर्षकम सुखदायकम श्री राम है। दशरथ सुतम सीतापतिम भवभूषणम श्री राम है, श्री राम है, श्री राम है। कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे है, राम रोम में चंद सिर फिरों को समझाने, क्या हम अपने प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण। क्योंकि निर्मल जल धारा कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट, 416 वर्ष बाद उसके दर्शन प्रारंभ हुए, तब मैं कहता हूं और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहां रहे पापना, रामेश्वर जहां रहे पापना, जहां हुई शिवलिंग स्थापना, जहां शांत रत्ना कर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनु बाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। समय सीमा का जरूर ख्याल रखें। वहीं से पढ़ रही हूँ कि राम कहाँ कहाँ है। हर तन में राम, मन में राम, जन में राम है, हर तन में राम, मन में राम, जन में राम है, बचपन या कि पचपन यहाँ जीवन में राम है, बचपन या कि पचपन यहाँ जीवन में राम है। जैसा कि दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक सब कुछ अभिराम बोल रहा है, जाने तुलसी की चेतना राम है, हर जन में राम, मन में राम, तन में राम है। क्या कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारा घर है। अब कल ही राकेश भैया ने संबंधों के सौंदर्य का आधार राम है, मर्यादा प्रेम भक्ति के आगार राम है, संबंधों के सौंदर्य के आधार राम है, मर्यादा प्रेम भक्ति के प्रश्न पूछा कि प्रकृति का ये कैसा खेल है कि लक्ष्मण कभी सोते ही नहीं है,
दिन भर भी रक्षा करते हैं और रात में भी रक्षा करते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हर तिड़ोके नोकों से, मानो झूम रहे हैं पर भी मंदपूर्ण के झोंके से। पंचवटी की इस वर्णन में वहां लिखा गया कि एक व्यक्ति है जो जाग रहा है और वो है लक्ष्मण है। लोगों ने पूछा कि लक्ष्मण लगातार जग कैसे सकते हैं, तो प्रकृति का अपमान हो जाएगा। निद्रा देवी लक्ष्मण के पास गई, सोना पड़ेगा तुमको। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं सो सकता, मैं व्रत के अंदर हूँ। उन्होंने कहा सोना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई उपाय बताओ। उनका उपाय ये हो सकता है कि तुम्हारी जगह कोई सो जाए। लक्ष्मण ने कहा मेरी बात कौन सुनेगा, मैं तो खुद दास हूँ, पराधीन सपने सुखना है, लेकिन मेरी एक पत्नी है, शायद मेरी बात सुन जाए। आप जाकर उर्मिला से कहो कि लक्ष्मण ने यह संदेश दिया है कि मेरी नींद भी तुम ही सो जाओ। कहा यह जाता है कि उर्मिला लक्ष्मण की नींद भी सोती नहीं और वो लगातार योग निद्रा चिर निद्रा में रही। वहां से मैं पंक्ति उठाता हूँ, लक्ष्मण राम और भरत सब लक्ष्मण राम भरत सब आके बैठे वापस वन से आए हैं। कौशल्या ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ ना, तुम्हारा उर्मिला इंतजार कर रही होगी। उर्मिला को कुछ नहीं पता है, लक्ष्मण को भी नहीं पता है कि वो किसके प्रताप से जग रहा था। पंक्तियां सुनिएगा। शयन कक्ष है, लक्ष्मण सीता सॉरी उर्मिला जी सो रही है, लक्ष्मण शयन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के बाद लक्ष्मण की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, जाने दो यार अपना ही आदमी है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उर्मिला को जगा सके। तो मानो कहीं दूर से आकाशवाणी हो रही है कि उठो उर्मिला, उठो उर्मिला, सूर्य वंश का लखन तेरे अभिनंदन में है, उठो उर्मिला, सूर्य वंश का लखन तेरे अभिनंदन में है। तो देख रहा था समय की सीमाओं को, देख रहा था मेरी मजबूरियां हैं कुल। सबसे पहले प्रदेश सरकार को, संस्कृति विभाग को, पर्यटन विभाग को बहुत बहुत बधाई। और कोरोना काल के बाद एक तो बहुत दिनों बाद इस तरह का कार्यक्रम हुआ, उस पर भी रामायण कॉन्क्लेव का कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता लिए हुए है। राममय होता जा रहा है, राम युग पुरुष हैं, और उसमें भी कवि सम्मेलन जिसमें कवियों ने आकर अपने अपने उद्गार अपने अपनी कविताएँ प्रस्तुत की, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हालांकि मैं स्वयं इस कार्यक्रम में था, लेकिन वास्तव में जिस तरीके से मैंने भी सुना, हमारे बीच लोग कुछ थी है उन्होंने सुना और श्रोताओं ने सुना, एक और टाइम में एक कार्यक्रम हुआ था, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम हुआ था, लेकिन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा।